हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है टीएस ग्रेवाल की बुक से, जीएसटी वाला। इसमें आपको कब जीएसटी डेबिट में लगाना है, कब क्रेडिट में लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये सब हर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पांच जर्नल एंट्रीज ऑन द बुक्स ऑफ अखिल। फर्स्ट है मशीनरी परचेज ₹50,000, पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% अगेंस्ट चेक पेमेंट। रेंट पेड बाय चेक। बिजनेस प्रमाइसेस। बिजनेस प्रमाइसेस क्या होता है, जिसमें आपका ऑफिस चल रहा है, बिल्डिंग मतलब। 10,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। नंबर थ्री, टेलीफोन बिल 2,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच पेड इन कैश। सोल्ड ओल्ड मशीनरी इन कैश 5,000, चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। नंबर फाइव, पेड रेस्टोरेंट बिल रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स 5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच इन कैश। ब्रैकेट में देखो लिखा है कि इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, मतलब आपको टैक्स को शो नहीं करना है लेकिन टैक्स तो पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ 50,000 बाय चेक, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी आपको नहीं लगाना है। पेड फीस टू लॉयर 9,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच इज लेवाइड अंडर रिवर्स चार्जेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस 40,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% बाय चेक। अब देखो, हमें सबसे पहले एंट्रीज हमें पास करनी है, जर्नल एंट्रीज सीजीएसटी और एसजीएसटी है। टैक्स कौन सा है हमारा, सारी क्वेश्चंस में जीएसटी वाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये चेक करना है आपको कि लगेगा कब। आपको जब भी आप कोई परचेज गुड्स कर रहे हो, कोई परचेज एसेट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो या सोल्ड गुड्स सोल्ड एसेट्स या कोई भी इनकम हो, तो आपका ये देखो परचेज जो होता है ना जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। तो इन सब के साथ आपका टैक्स जो है वो कहाँ पे लगेगा, डेबिट में लगेगा। डेबिट में कौन सा टैक्स लगता है आपका, इनपुट वाला, और ये कौन सी चीजें होती हैं, क्रेडिट वाली। तो आपका टैक्स कौन सा लगेगा, क्रेडिट वाला, और क्रेडिट में क्या लगता है, आउटपुट लगता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी जहां पर कैश कैश आए जर्नल एंट्री में, बैंक आए या किसी पर्सन का नाम आए, उसके साथ आपका जीएसटी शो नहीं होता है, मतलब उसमें ऐड होके होता है। जीएसटी जितना भी होता है प्लस होके उसकी पेमेंट की जाती है या फिर उस पर्सन के नाम के साथ आता है। इतना सा पहले आपको ध्यान रखना है, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री है हमारी, ये फर्स्ट है, ये टू, ये थ्री और ये फोर, मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज का मतलब आपने एसेट परचेज करी है, तो क्या होगा, डेबिट में आएगी पहले एंट्री और टैक्स भी क्या आएगा, इनपुट वाला आएगा। अब जब परचेज गुड्स होता है तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, अगर परचेज के साथ किसी एसेट का नाम आता है तो आप एसेट का नाम लिखते हैं, तो डेबिट में क्या आएगा, एसेट का नाम, तो क्या एंट्री हो जाएगी, मशीनरी। क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप आज मैं ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराऊंगी, पहले आप नॉर्मल जर्नल एंट्री कर लो। मशीनरी डेबिट, पेमेंट कैसे गई है, चेक से गई है, तो डेबिट में हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक को या कैश हो, वहां पे तो जीएसटी नहीं लगता उसके साथ, वहां पर प्लस होके आता है, तो इसका मतलब जीएसटी किसके साथ लगेगा, परचेज है तो डेबिट में क्या लगेगा, इनपुट वाला। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट और डेबिट। थोड़ा सा स्पेस ऐसे हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब मशीनरी कितने की खरीदी है आपने, 50,000 की, तो यहाँ पे 50,000। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टेक्स में कभी भी जब ऐसे इक्वेशन हो, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। जब इंक्लूडिंग वर्ड होता है ना, तो डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता, उसकी सीक्वेंस अलग हो जाती है। 50,000 के 9% कितना हो जाएगा, 4,500। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 59। अब देखो बैंक में, देखो जो मैंने आपको बोला एड होके, 50,000 की क्या थी, मशीनरी थी, और 9,000 का आपका टोटल टैक्स हो गया, तो आपने 59,000 की पेमेंट की होगी उसको चेक से। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड क्या है, रेंट पे बाय चेक। रेंट पे किया, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा, और इनपुट वाला भी डेबिट होगा, तो मतलब टैक्स कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस के साथ जाएगा। तो फिर से हम लिखेंगे, यहाँ लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट,
रेंट, अकाउंट, डेबिट। रेंट के साथ ही क्या आ जाएगा? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट में आ जाएंगे। और कैसे किया आपने चेक पेमेंट? चेक से। तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। अब बस रेंट कितना पे किया आपने? 10,000। और टैक्स कितना हो गया? 9%, 900। तो कितना हो गया? 11,800 की आपने टोटल पेमेंट की। अब बैंक में फिर से 10,000 प्लस 1,800 आपका 11,800 पेमेंट। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टैक्स आपने लगाना कहाँ पे, इसलिए आपको ये पहले चार्ट हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखो, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस पेड 2,000 और सीजीएसटी, ये कैश में पेमेंट किया था, तो टेलीफोन बिल भी क्या है? ये एक्सपेंसेस है। तो फिर से सेम इसी की तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, डेबिट टैक्स भी क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अब जो कैश है वहां पे टैक्स ऐड होके अमाउंट आएगा। टेलीफोन बिल कितना पे किया आपने? 2,000 का, इसका 9%, 180 टैक्स, 180 टैक्स। तो बैंक में क्या आ जाएगा? 2,000 प्लस 360, क्योंकि बैंक जहाँ कैश होगा वहां पे टैक्स नहीं होगा। 2,000 प्लस 360, तो 2,360। ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड ओल्ड मशीनरी। अब हमने क्या किया है? सेल करी है ओल्ड मशीनरी स्क्रैप में। स्क्रैप का मतलब कबाड़ी में बेच दी। फिर 5,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब क्या हो गया? देखो, सोल्ड एसेट है। देखो, जैसे परचेज गुड्स होता है तो परचेज वर्ड लगाते हैं, जब सोल्ड गुड्स होता है तो सेल वर्ड लगाते हैं, जब सोल्ड एसेट होता है तो एसेट का नाम लगाते हैं। किस साइड जाएगा? क्रेडिट में। और टैक्स कौन सा लग जाएगा? क्रेडिट में ही आउटपुट। तो टैक्स अब कहाँ लगेगा? डेबिट की जगह क्रेडिट में लगेगा। अब डेबिट में क्या आएगा? कैसे बेचा है? उन्होंने कुछ नहीं बोला था, तो कैश में बेचा होगा नेचुरली, चेक नहीं लिखा था। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। अब जहां कैश है वहां पे तो टैक्स क्या होगा? प्लस होगा, वहां पे उसके साथ टैक्स नहीं लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? मशीनरी। टू मशीनरी, सेल नहीं लिखना है। और यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट, क्योंकि क्रेडिट में कौन सा टैक्स लगता है? आउटपुट वाला। टू आउटपुट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने की बेची है? 5,000 की। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने फिर गलत कर दी। यहाँ पे मशीनरी में डालेंगे, कैश में तो हम ऐड करके डालेंगे। यहाँ 5,000, और इसी के अंदर आप टैक्स ऐड करेंगे, वो हम चेक करेंगे कि कितना लगा। मशीनरी कितने की थी? 5,000 की। इसके ऊपर टैक्स कितना हो गया? 9%, 450 और 450, तो टोटल कितना आ जाएगा? 59। 5,000 की मशीनरी थी, 900 का टोटल टैक्स लग गया था, क्योंकि 9 प्लस 9, 5,000 का सीधा 9% निकालोगे, 450 और 450। ये हमारी फर्स्ट फोर इक्वेशंस है। अब नेक्स्ट फोर में नोट डाउन करूंगी, फिर हम करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट है पेड रेस्टोरेंट बिल। आपने कहीं रेस्टोरेंट गए हो, उसका बिल आपने पे किया 5,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, और ब्रैकेट में लिखा था इनपुट जो जो क्रेडिट है वो नॉट अलाउड। जो आपका, जैसे आपने पे किया रेस्टोरेंट बिल किया, आपने रेस्टोरेंट बिल, आप कहीं गए होगे तो क्या होगा? बिजनेस के लिए गए होगे आप, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसका जो जीएसटी है वो आपने क्रेडिट नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगाओगे नहीं, पेमेंट तो टैक्स के साथ ही होगी। उन्होंने बोला है कि क्रेडिट में इनपुट को आपको नहीं लगाना है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे, उसी के साथ आपका टैक्स लगना था, लेकिन उन्होंने बोला है कि टैक्स नॉट अलाउ, उसको क्रेडिट नहीं करना है। तो बस एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दो, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि चेक तो आपने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब यहाँ पे जो कैश होता है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि जो कैश और बैंक में जो जीएसटी होता है वो प्लस होके आता है, तो आप यहीं पर ही कर दिया करो। कैश कितना है, मतलब आपने कितना देना है? 5,000
प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 99% है, तो टोटल कितना हो गया 18%। मतलब जैसे 5000 का सीधा 18% आप लगा दो तो कितना हो जाएगा 900। तो इसका मतलब आपने कितना पेमेंट किया होगा 5900, जो आपने डेबिट में ये जो आपने किया होगा ना 99 पे 450 450 टैक्स होना था, डेबिट में लगाना था, वो उन्होंने बोला है नोट आपको नहीं लिखना है, तो बस डायरेक्टली आप टैक्स ऐड करके उसको पे कर दोगे, मतलब आपको शो नहीं करना है। नरेशन आप पक्का बच्चों अपने अपने आप लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म में, जैसे जर्नल एंट्री में लिख दोगे बीइंग बिजनेस फ्रॉम बिजनेस या रेस्टोरेंट बिल पेड प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, चेक से पेमेंट किया, सैलरी भी क्या है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होगा डेबिट होगा। अब इसके ब्रैकेट में भी लिखा है कि एग्जम्प्ट जीएसटी, जीएसटी को छोड़ दो, जीएसटी उन्होंने लगाया ही नहीं है, तो बस सैलरी टू बैंक, सैलरी क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस क्या होता है डेबिट होता है, तो सैलरी ये नॉर्मल जनरल एंट्री हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगाना, नॉर्मल आप 50,000 की आप सैलरी क्या कर दोगे पे कर दोगे, नरेशन आप लिख लेना सैलरी पेड बाय चेक। नेक्स्ट है पेड लॉयर फीस 9000, आपने लॉयर की फीस पे करी है, लॉयर की फीस भी क्या होगा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस होंगे। नेक्स्ट आपने उसमें बोला कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवाइड अंडर रिवर्स चार्जेस, ये जो है लेवाइड अंडर रिवर्स चार्जेस हैं, आपको इन्होंने बोला कि इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इसको इसको आपने क्या किया है कि जैसे आपने लॉयर की फीस पे की होगी, कोई एक्सपेंसेस हुआ होगा, कोई बिजनेस से रिलेटेड ही हुआ होगा, जैसे आपने ऊपर रेस्टोरेंट का बिल पे किया वो भी आप बिजनेस के लिए गए, रेस्टोरेंट बिल तो हम नहीं लिखेंगे सीधा बिजनेस प्रमोशन लिखेंगे, ऐसी सेम लॉयर की फीस भी आपने किस लिए पे की होगी, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस से रिलेटेड हो तो वो भी बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 9000 आपने ये पे किया है, और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवाइड अंडर रिवर्स चार्ज, जब आप वापिस कर रहे थे ना, पहले आपने पे नहीं करे होंगे, पहले आपने आपने क्या किया होगा लॉयर की फीस जब पे करी तो जीएसटी नहीं दिया होगा, बाद में आपने उसको पे किया, तो इसलिए आप क्या करोगे इनकी इसकी फीस की एंट्री अलग कर दोगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी की अलग कर दोगे। अब हमें ये तो पता है लॉयर की फीस क्या होगा, एक एक्सपेंसिस होगा, एक्सपेंसिस क्या होगा डेबिट होगा, तो इसलिए इनपुट वाला एक्सपेंसिस भी क्या होगा डेबिट होगा, लेकिन वो बाद में लगा तो इसकी दो एंट्रीज बनेंगी। हम क्या करेंगे, पहले क्या करोगे देखो ऐसे करोगे Part 1 और Part 2, पहले आप क्या कर दो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस लिख दो, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे डेबिट है, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या कर दोगे इसके साथ ना लगा के इनपुट नेक्स्ट एंट्री में लगा दोगे, क्योंकि हम साथ की साथ करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट किससे करी है कुछ नहीं लिखा कि चेक है उससे तो कैश से गई होगी, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो बस पहले आपने बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए होंगे लॉयर की फीस, तब आपने इसके साथ टैक्स आपने पे नहीं किया होगा, जब आप रिवर्स कर रहे थे मतलब रीचेक कर रहे थे तब आपको पता लगा कि आपने जीएसटी पे नहीं किया था, तो इसे 9000 के ऊपर आप 9000 के ऊपर 9% ऐसे लगा दो, 810 और 810 तो कितना हो जाएगा 1816 20, ये आपकी पहले पेमेंट हो जाएगी लॉयर फीस की, उसके बाद आपका ये जीएसटी वाला पेमेंट हो जाएगा। लास्ट एंट्री एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, फिर से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा और इनपुट भी डेबिट होगा, जीएसटी 9% और चेक से पेमेंट किया। नॉर्मल एंट्री एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट है एक्सपेंसेस तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि चेक से हुई है, बैंक में क्या होगा जितना आपका एक्सपेंसेस होगा 40,000 है और प्लस 9%, 9% कितना होता है 3600 प्लस 3600, मतलब यहाँ पे कितना होगा 40,000 3600 और 3600, तो कितना हो जाएगा देखो इसका टोटल 00
47,200, क्योंकि बैंक में हम जितना अमाउंट होता है टैक्स को ऐड करके पे करते हैं। ये हमारी सारी एंट्री थी। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कैश या बैंक होगा उनके साथ कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो सेल कर, उनके साथ जीएसटी लगेगा, भाव आपको यहाँ से पता लग जाएगा। डेबिट है तो इनपुट, क्रेडिट है तो आउटपुट लगेगा। अगर स्टिल अगर कोई भी एंट्री क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।